देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और जरूरी सामान की गाड़ियों को छोड़कर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद है। ऐसे में खंडवा जिले के आबकारी अमले को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर पंधाना ब्लॉक के आवल्या गांव से अवैध शराब परिवहन करते हुए एक पिकअप को पकड़ा है, जिसमें 200 पेटी देशी और विदेशी शराब रखी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये सूचना हमको प्राप्त हुई थी, लगातार हम लगे हुए हैं और सूचक हमारे पूरे जिले में हमने लगा दिए हैं। आउट गोइंग ठेकेदार जो भी माल फेंक रहे हैं या जो बाहर से ला रहे हैं, ये जो शराब लाई जा रही थी खरगोन जिले से लाई है, तो इसको हमें सूचना मिली थी खोलाडी टावलिया के पास में एक गाड़ी लेकर के इधर खंडवा जिले में आने वाली हो, तो हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी टीम भेज दी। टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, इस गाड़ी को पकड़ा गया। गाड़ी में करीबन 200 पेटी है जो 10,000 नग होते हैं, जिसकी कीमत 8 लाख है कीमत, और गाड़ी की 4-5 लाख कीमत है। 5 आरोपी पकड़े गए जिनके विरुद्ध मतदाता आबकारी अधिनियम 1934 की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन है, शराबबंदी है पूरी तरह से, ऐसा लगता है कि एक बड़ा तबका सर सक्रिय है। हाँ बिल्कुल, कहना है सही है आपका कि लगातार प्रकरण पकड़े जा रहे हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। पिकअप गाड़ी के चालक सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके उन पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि 200 पेटी शराब जिले में आई कैसे और लॉकडाउन के बावजूद शराब की अवैध तस्करी कैसे की जा रही है। खंडवा से न्यूज के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।